बच्चों को सरप्राइज दे रही हूँ। देखिए गाइस, मैं आपको पिज्जा रेसिपी बता रही हूँ और उनको सरप्राइज भी दे रही हूँ। कराची की लड़की से पहले इसकी शादी करेंगे हम। ये बोनी औरत है हमारे घर की। ये देखिए भाई, ये देखिए, ओ ये देखिए, ये रहेगा गाइस। मैं अपने दिलों से फरमाइश कर रही थी कि भाई पापा मामा मुझे पिज्जा खिला दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिया। हम अपने बच्चों को दे रहे हैं सरप्राइज और मेरे को उनको बताना नहीं था, इसलिए मैं बाहर लेकर आई हूँ आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिया। आज मेरे किचन में मैं बच्चों को सरप्राइज दे रही हूँ, पिज़्ज़ा बना रही हूँ। और पिज़्ज़ा बना रही हूँ, मैं बच्चों को दूंगी सरप्राइज, अपने हस्बैंड को दूंगी सरप्राइज। और ये देखें, मैंने ये सारा सामान रखा हुआ है और ये मेरी बोटियाँ तैयार हैं। ठीक है, ये मैंने बोटियाँ तैयार कर ली हैं पिज़्ज़े के लिए। ये शिमला मिर्च है, ये प्याज है, ये चीज़ है और ये हमारी डो है, रोटियाँ हैं और ये हमारा केचप है जो हम इस पर करेंगे। और हम बनाएंगे फ्राई पैन में, ये देखिए आप, आपके सामने, और मैं आपको दिखाऊंगी भी। ये देखें गाइस, ये देखें, मैं ना ये बना रही हूँ, लेकिन आवाज़ थोड़ी मुझे स्लो रखनी पड़ेगी क्योंकि मेरे बच्चे हैं अंदर, उनको पता ना चले कि मैं ये काम करूँ ना, तो इसलिए मैं बना रही हूँ स्लो स्लो बोल रही हूँ आप लोगों को, बस कि आप लोग को आवाज़ आए, मेरा सरप्राइज़ का ना फांडा ना फूट जाए इसलिए। अब ये देखें, ये मैं केचप लगा रही हूँ इस पर। ये रोटी भी मैंने खुद ने ही बनाई है, खुद बनाई है मैंने रोटी। काफ़ी देर से मैं मेहनत कर रही थी, मैंने बोला आपको क्या क्या दिखाऊंगी। ये देखें गाइस, ये देखें, मैं ना ये बना रही हूँ, लेकिन आवाज़ थोड़ी मुझे स्लो रखनी पड़ेगी क्योंकि मेरे बच्चे हैं अंदर, उनको पता ना चले कि मैं ये काम करूँ ना, तो इसलिए मैं बना रही हूँ स्लो स्लो बोल रही हूँ आप लोगों को, बस कि आप लोग को आवाज़ आए, मेरा सरप्राइज़ का ना फांडा ना फूट जाए इसलिए। अब ये देखें, ये मैं केचप लगा रही हूँ इस पर। ये रोटी भी मैंने खुद ने ही बनाई है, खुद बनाई है मैंने रोटी। काफ़ी देर से मैं मेहनत कर रही थी, मैंने बोला आपको क्या क्या दिखाऊंगी, फिर आप बताइएगा मैंने कैसे बनाया, और फिर मैं खा के भी बताऊंगी कैसा बनाया। हम बस देख के मुँह में पानी आ रहा है, केचप ही को देख के पानी आ रहा है मुँह में। देखें गाइस, मैं आपको पिज़्ज़ा रेसिपी बता रही हूँ और उनको सरप्राइज़ भी दे रही हूँ और आपको रेसिपी भी बता रही हूँ, साथ साथ आप लोग देखते जाएं मैं कैसे बनाती हूँ। ये मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर, ये देखें, ये इसकी सजावट कर रही हूँ। और ये देखें, ये शिमला मिर्च लगा रही हूँ मैं। आहा, कितना खूबसूरत लग रहा है ये, वाओ। और यहाँ पर आ जाएंगी, ये देखें, ये आ गई प्याज, ऑनियन, ठीक है, ये आप लोग देखते ना। चुप चुप, कोई आया है, कोई आया है, बंद कर दो, कर बंद करो अभी बंद। ये देखें गाइस, ये मेरा भांडा फूट चुका है, ये आ गए और हमारा घुसते ही किचन है और इन्होंने देख लिया मेरा, मेरा सरप्राइज़ ख़त्म कर दिया। और मैंने ये सरप्राइज़ देना है कराची की लड़की को और आपने इसमें शामिल होना है। अब आप देख लें, तो गाइस मनाना है पिज़्ज़ा बहुत बेहतरीन सा, ठीक है। तो गाइस, ये पिज़्ज़ा जो है ना कराची की लड़की को और मेरी पांचों बेटियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पिज़्ज़े की तो बात ही नहीं करें, सबको ही पसंद है, मुझे तो इतना पसंद है। देखा, और आज जो देख रहा है उसको तो मुँह में पानी आ गया, पानी आ गया है। और ये जो ये ब्लैक ब्लैक डल रही है, फिर बोटियां उस पे, फिर शिमला मिर्च और प्याज, अम्मी अभी ये, तो इस पे? ये है कराची की लड़की की अम्मी। हाँ, तो भाई बन रही है अम्मी। ये देखें भाई, देर हो रही है ना, जल्दी जल्दी बनाना है, फिर बच्चों को देना है, इसलिए मैंने बोला जल्दी बोटियां वोटियाँ लगाए। और ये मुँह में तो ऐसा पानी आ रहा है, बनेगा तो फिर क्या होगा। और जो ये वीडियो बना रही है, ये हमारी घर की अम्मा है। हाँ देखा, आई ना बस। तो मिफ्रा से पहले इसकी शादी करेंगे हम, इसके लिए लड़का किसी को मिले तो बताना, बोनी औरत है ये, कराची की लड़की, कराची की लड़की से पहले इसकी शादी करेंगे हम। ये बोनी औरत है हमारे घर की, आपको हम दिखाते हैं। ये देखें, देखें, ये देखें, ये देखें, ये हर काम में सबसे आगे होती है। किसी को सरप्राइज देना हो, कुछ देना हो, ये हमारी आगे से आगे। हाँ, इनको हर मोहल्ले की, हर घर की खबर होती है। नहीं, इतना झूठ नहीं कहते, घर नहीं भेजते आप। क्या ये
हाँ चीज क्या गिर रहा है ये छोटे छोटे पीस काट के गिर रहा है ये अल्लाह बस बेगम वल्ला 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 मुंह में से राल गिरना शुरू हो गई ये देख बस अब दूसरे पे आ जाओ तो गाइज आपको ये पता है कि पिज्जा कितना महंगा है कॉस्टली है एक पिज्जा 700 से 1000 रुपए के अंदर अंदर मिलता है तो ये अफोर्डेबल नहीं है हर बंदे के तो हमने 1500 से 2000 रुपए खर्च करने के बाद ये पिज्जे कम से कम 7 से 8 पिज्जे बना लिए और जी भर के भी खा लेंगे और मेरी बच्चियों की फेवरेट है आपके भी बच्चों के फेवरेट हों तो आप भी घर में तैयार करें इतना महंगा नहीं पड़ता 1500-1600 रुपए में अगर 2000 रुपए में भी 7-8 पिज्जे बन रहे हैं तो आपके लिए मसला नहीं है आप बना सकते हैं तो ये देखें ये चीज़ डल रही है और चीज़ भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कितने की ली थी हमने ये 600 रुपीज़ की ली थी और ये पूरी नहीं डलेगी इसमें हाफ डल जाएगी और हाफ रख देंगे हम संभाल के दोबारा बनाएंगे तो फिर दोबारा यम्मी और ये देखें ये गाइस ये मैं रख रही हूँ ये देखें भाई ये देखें ओह ये देखें गाइस ठीक है अब इसमें मैं ढक दूंगी ढक्कन ताकि ये हमारा बन जाए रेडी हो जाए चल वो ढक्कन चल ये रख दिया मैंने ढक्कन ये हमारा हो गया बहुत सारे लोगों के घर के अंदर ये भी प्रॉब्लम होती है ना कि यार वो पिज्जा मशीन नहीं है या वो क्या कहते हैं उसको ओवन नहीं है तो ये जो ना चूल्हे के ऊपर ही हमने सब कुछ तैयार करवा दिया आपको ठीक है तो हर तरीके की रेसिपी होनी चाहिए और मेरी बच्चियों को मैं तो अपनी बच्चियों को मिस नहीं कर सकता जो मेरी बच्चियां बोले वो होना चाहिए चाहे वो मैं घर में करूँ या बाहर से ला के दूँ गाइस आप बताइएगा कैसा बनाए मैं तो अंडे का भी पिज्जा बना लेती हूँ इसका पिज्जा बना लेती हूँ मैं तो गाइस ये हो गया रेडी बिल्कुल ठीक है अब हम बच्चों को देने के लिए जा रहे हैं इसके पीसेस कर ले पहले 4 फिर इंशाल्लाह ये बच्चों तक पहुंचाते हैं और उनका सरप्राइज बिल्कुल ओपन करते हैं ठीक है तो ये हो गया है भैया पीसेस के लिए ओए होए हाथ जल रहे हैं और ये जब उनके पास पहुंचेगा तो फिर उसके बाद हम उनका रिएक्शन लेंगे कि क्या रिएक्शन होता है मेरे बच्चों का और कराची की लड़की का रिएक्शन क्या होता है कराची की लड़की को तो ये पिज्जा इतना पसंद है यम्मी बोलेगी मिफ्रा की अम्मी अल्लाह तो गाइस ये हो गए हैं जी 4 पीस और मैं चलता हूँ बच्चों के पास अपने वाओ वो बैठी है कंप्यूटर पे कराची की लड़की बैठी है कंप्यूटर पे व्लॉग बना रही है तो उनको आज हमने दिया है सरप्राइज तो इनके लिए ये तैयार हो गया है पिज्जा 2 दिन से मेरे पीछे लगी थी पापा पिज्जा खिला दो पिज्जा खिला दो यार जेब भी जो ज्यादा देनी देगी ना यार जेब भी ज्यादा दे रही वो पिज्जा मांगे जा रही तो हमने इसलिए मेरी बेगम ने ये मेरी बेगम है यूट्यूबर कमाल के यूट्यूब से रेसिपियाँ निकालती है तो चले आप बच्चों का रिएक्शन लेते हैं मेरे बच्चे बोलते हैं नहीं वही रेसिपी पे बना देखती रेसिपी इतनी अच्छी अच्छी है बनाती वही है आलू दाल चावल ये सब मैंने आज बोला पिज्जा बनाया ही ये चलो भाई आ जाओ बेगम चलो चलो बच्चों के रिएक्शन देखें So guys, surprise! Yo, pizza party! हमने बनाया आपके लिए pizza. तो try करके बताएं कि कैसा बना ये pizza. मम्मा ने बनाया, मम्मा ने. Thank you, guys. मैं इतने दिलों से फरमाइश कर रही थी कि भाई पापा मामा मुझे pizza खिला दो क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा था. मैं off पे हूँ अभी office से ना. तो मैंने सोचा कि ना भाई pizza दिखाओ मेरा बना हुआ pizza दिखाओ guys को. ये कहाँ पे था ये? एक मिनट रुको पहले मुझे तो खाने दो पहले मुझे तो रिएक्शन ले अच्छा ये बताओ ये कब से हो रहा है मुझे पता ही नहीं लगा गाइस मैं आप कंप्यूटर पे लगी हैं हम किचन में लगे हैं अच्छा जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो ना मेरा सारा ध्यान है ना व्लॉग में होता है कि मैं व्लॉग अच्छे से अच्छा एडिट करूं गाइस को दिखाओ तो खाते हुए दिखाओ तो अरे तो गाइस और कर रहे हैं इसकी शक्ल देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह तो चुका दो तो चुका दो अरे एक मिनट ना एक मिनट मैं रिएक्शन ले रही ना समझ रहा कब से हो रहा है काम भाई बहुत देर से हो रहा है बेटा भाई ये जी पिज्जे का नंबर एक मिनट अच्छा थैंक यू सो मच फॉर गाइस खा लें पहले आप दिस पिज्जा मैंने बनाया
मुझे उसकी स्टिक चाहिए, स्टिक चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम वो देखें कराची की लड़की पिज्जा खाने में मसरूफ है, ब्लॉग की तरफ नहीं देखती। बात करें बात करें बात करें हम बाल मार। गाइस ये दूसरा पिज्जा तैयार हो चुका है, अब इसके भी कटिंग कर रहे हैं हम। और कटिंग करने के बाद ये जो हमारी वीडियो बना रही हैं नन्नी मुन्नी, तो इसके लिए ये तैयार हुआ है, और हमारी मंतशा और अनाया के लिए तैयार हुआ है। तो ये सारे मजे का है, मजे का मंतशा तो पापा ने जो सरप्राइज दिया उसके अंदर मुझे पिज्जा दिया था, मैं तो पूरा फिनिश कर चुकी हूँ अपना, एक और आगे मेरे लिए, मैं पूरा एक पिज्जा खा चुकी हूँ अकेली, मींस मुझे इतना पसंद है। सेकंड की बारी आ गई, मैं नहीं आया, तुम्हें नहीं आया, तुमने खा चुकी हो, तो मेरा पिज्जा खत्म हो गया। गाइस मेरी कोई इज्जत नहीं है, सब खा जा रहे हैं। अभी जो है ना हम लोग ऐसे ही खा रहे हैं फन पार्टी में, मींस की अभी सरप्राइज दिया, पता नहीं चल रहा था। हां ये रहा ये रहा, अभी फैमिली पूरी बैठेगी गाइस, अभी मैंने सब बैठेंगे दस्तरखान पे, तमीज के दायरे में खाएंगे, तब भी खाएंगे, नो टेंशन। ठीक है पहले पेट में जाओ, बाद में कोई काम नहीं, जल्दी जल्दी खाएंगे। ठीक है फिर आपको दस्तरखान पर आना है, पता नहीं आना है कैसे आना है। अच्छा चलो गाइस ये हो गया तैयार सब कुछ, अब बच्चों के साथ बैठ के फुल टाइम एंजॉय करते हैं और ये खाते हैं। ओके मैंने वो भी बनाई है चाइनीज चाइनीज स्पेगेटी, यो हो आजो 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 आजो। सो गाइस मुझे तो भूख लग रही है भाई बहुत, आजो बच्चों बहुत ज्यादा। सो गाइस हमारे खाने में है ये मैक्रोनी पिज्जा जो हमने आपको बता दिया था। गाइस हम लोगों ने पिज्जा टेस्ट तो कर लिया था, पिज्जा बहुत ही यम्मी था, बट हमारी नियत तो भरी नहीं, मतलब पेट भर जाए लेकिन नियत कैसे भर सकती है हमारी, यू नो खाने के भूखे हम माशाल्लाह से। तो भाई मम्मा ने जो ना पिज्जा के साथ साथ ये मैक्रोनी भी बना ली है फटाफट झटपट सी, क्योंकि यहाँ पर जो ना हमारे घर में रेडी रहता है झटपट सी फटाफट। क्या पकाया? पिज्जा। देखे मेरी बेटी खा के बताएगी, खाना खाओ जल्दी से जल्दी से खाओ। Oh my God. बस आपको मंतशा आपको मम्मा मंतशा आपको मम्मा पसंद है या पिज्जा? मम्मा। सो गाइस हम फटाफट झटपट खाते हैं, ठीक है दोबारा से आपको बताते हैं। अभी दोबारा जो ना यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी गरम गरम बनकर आए, और हाँ 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 गाइस इसको देखने के बाद जो मुँह में पानी आता है ना, कैसा बना है भाई? भाई बहुत अच्छा लगा आप दोनों के सरप्राइज, थैंक यू फॉर बीइंग माय बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। और भाई ये अभी हम टेस्ट करते हैं, पता नहीं कैसी बनी, आई डोंट नो, चलो टेस्ट कर लेते हैं। क्या ये जी मैक्रोनी पास्ता, ठीक है बिकॉज मैं मेरे नूडल्स भी फेवरेट हैं। खा लो, इसमें कोयला भी डाला, ये भी बहुत टेस्टी है। और पिज्जा तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको खा के बता ही चुकी हूँ, जब मम्मा सरप्राइज देने के लिए आएंगे तो पिज्जा को तो मैं आपको टेस्ट करके बता ही चुकी थी कि भाई पिज्जा कैसा था, बट क्या करें नहीं तो भरी नहीं रही बिकॉज इट्स माई फेवरेट। तो भाई जल्दी जैसे हम लोग पेट पूजा कर लेते हैं, एंड थैंक यू फॉर योर सरप्राइज, थैंक यू मम्मा मम्मा थैंक यू फॉर योर सरप्राइज। खालो 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 पहले खालो, थैंक यू फॉर योर सरप्राइज पापा। ओके बेबी चलो जी हम जल्दी पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि पहले पेट पूजा बाद में कोई काम से जल्दी खाते पीते, क्योंकि मुझसे अब रहा नहीं जाता गाइस, रहा नहीं जाता क्या सामने खाना और मुझे रहा जाए ऐसा हो सकता है? नेवर खाती हूँ जल्दी। तो जी गाइस आपको कैसा लगा हमारा पिज्जा हमने बनाया, आसान सी रेसिपी थी, आप लोग भी अब खाएं और अपने बच्चों को भी यही खिलाएं, हमने अपने बच्चों को दे दिया था सरप्राइज, आपने देख लिया कैसा लगा, और खाने में भी बड़ा टेस्टी था। मैं चाहती हूँ आप लोग भी बनाएं और खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, आपके बच्चे भी खुश आप भी खुश। हाँ, और इस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, ख्याल रखें अपना, बहुत सारा, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट, अच्छी सी रेसिपी लेकर आएंगे हम जबरदस्त सी। चले जी लव यू कर दें, पप्पा दे दें सबको, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज, हाथ रखो कैमरे के आगे।